किस कारण मौत हुई, क्या है? ये अतनी पिछले 10-15 दिनों से गांव के इर्द गिर्द ही घूम रही थी और उसकी जो स्थिति लग रही थी कि बीमार से भी दिख रही थी और बहुत बुजुर्ग हथनी भी थी वो, और जिसको गांव वाले भगा रहे थे, लेकिन वो इधर उधर चल फिरने में भी सक्षम नहीं थी और शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई। बीमारी और उसकी वृद्धावस्था की वजह से उसकी मौत हुई है। क्या वन विभाग को शिकायत करी इस बार की यहाँ पे एक हथनी देखी जा रही है? क्षेत्रवासियों ने जानकारी दी है कि वहाँ की वन विभाग वाले भी आते थे, उसको अपना ये पटाखों के द्वारा उसको भगाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो चलने फिरने में सक्षम न होने के कारण अक्सर वहीं पे खड़ी की खड़ी रह जाती थी। सर, ये कल एक हथनी की डेथ हो गई थी वहाँ लैसडाउन वन प्रभाग में जी, और ग्रामीण ये बता रहे थे कि काफ़ी दिनों से वो लचक रही थी और अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद बच जाती हो जी। तो सर, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो तो इसके लिए क्या आदेश जारी किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेते हैं, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक। और अगर कॉज ऑफ डेथ इस इंजरी से लिंक निकलता है तो फिर डेफिनेटली जो बात आप कह रहे हैं कि भाई अगर इसकी ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद ये बच सकता था, और इसको भी दिखवा लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कब इंटीमेट किया गया इसके बारे में कि साहब एनिमल इंजर्ड है, तो एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और उसको देख लेते हैं कॉज ऑफ डेथ क्या था, और अगर ऐसी स्थिति निकलती है जैसे आप बता रहे हैं तो उस केस में फिर इसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन स्टाफ को दिए जाएंगे कि भाई इस तरह से कहीं पे भी आपके पास सूचना आती है, चाहे मीडिया से आए चाहे वो लोगों से आए, तो हमें उसमें एक्शन हमारा बहुत जल्दी होना चाहिए।